Good morning, dear students. Welcome to the class. Today we will continue our chapter that was going on yesterday. Yesterday हमारी class में जो chapter चल रहा था उसी को हम continue कर रहे हैं आज. हमारा chapter number 3 चल रहा था. फिर हमने start कर लिया था we are a bit different. हम थोड़े अलग हैं और इसमें हमने काफ़ी पढ़ भी लिया था कि हम जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो उनकी जो एक सिस्टम होता है जिसे हम ब्रेल सिस्टम कहते हैं, ब्रेल सिस्टम की हेल्प से वह एजुकेशन करते हैं. और हेलन केलर नाम की एक ऑथर थी जो रिनॉर्ड हुई थी ऑथर के रूप में, एक महिला थी. ओके, आज हम उसे नेक्स्ट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, इन ब्रेल सिस्टम, ब्रेल सिस्टम में देर आर रेस्ड डॉट्स फॉर एवरी अल्फाबेट पॉइंट एस ए बी सी. ब्रेल सिस्टम में क्या होता है, सभी जो अल्फाबेट होते हैं वो रेस्ट डॉट होते हैं, मतलब कि रेस्ट यानी उभरा हुआ, रेस्ट यानी उभरा हुआ होता है, उभरे हुए डॉट्स होते हैं किसमें, सभी अल्फाबेट में. इस तरह से देखो ये जो पॉइंट बने हुए हैं ना ये सारे उभरे हुए होते हैं, बट जो वन पॉइंट होता है ये जो बड़ा पॉइंट दे रखा है ये ज़्यादा उभरा हुआ होता है, बड़ा होता है, और बाकी सब ये छोटे होते हैं. ओके, इस तरह से होता है. सी देम इन द एबो पिक्चर, जैसा कि ऊपर पिक्चर में दे रखा है ऐसा ब्रेल सिस्टम में होता है, ऐसे इस तरह से अल्फाबेट होते हैं उसमें. इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में सिंबल्स ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिक्स रेस्ट डॉट्स. इस सिस्टम में क्या होता है, सभी अल्फाबेट के एक सिंबल यानी एक प्रतीक, एक चिन्ह होता है जो सिक्स डॉट से बना होता है, छह डॉट से बना हुआ होता है, छह उभरे हुए डॉट से ये सिस्टम बना हुआ होता है. इसमें सभी अल्फाबेट जो हैं, हर अल्फाबेट में छह डॉट होते हैं. कितने डॉट होते हैं, छह डॉट होते हैं, और ये छह उभरे हुए होते हैं. बट जैसे अल्फाबेट में ए लिखना है तो ये वन डॉट उभरा हुआ होता है, बड़ा होता है, ठीक है. और जैसे टू बी लिखना है तो उसमें फिर ऐसे ये टू डॉट्स बड़े होंगे, इस तरह से होता है. ओके, ए कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लेट. एक कार्डबोर्ड होता है, एक कार्डबोर्ड होता है जिस पे एक वुडन स्लेट होती है, एक लकड़ी की स्लेट लगी हुई होती है, ठीक है. इस तरह से इसमें जो दे रखा है ना, इस तरह से कार्डबोर्ड होता है और एक लकड़ी की स्लेट रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, ऑन इट अ स्पेशली डिजाइंड स्केल ऑन विच अ ग्रुप ऑफ सिक्स डॉट्स इन द एबव पिक्चर इज गिवन इन अ सीक्वेंस इज यूज्ड. स्पेशली डिजाइन किया हुआ होता है, ये जो एक पॉइंटेड पेन होता है इसको हम स्टाइलस कहते हैं. इस तरह से एक नुकीला पेन होता है, इस डिवाइस को हम स्टाइलस बोलते हैं. ओके, इस स्टाइलस की हेल्प से जो एक कार्डबोर्ड होता है, वुडन स्लेट उसके नीचे रखकर, उसके ऊपर उस कार्डबोर्ड को रखकर, इस नुकीले पेन से, इस स्टाइलस से हमें डॉट बनाने होते हैं, और सिक्स डॉट बना के इस तरह से एक सीक्वेंस में, एक क्रम में, सीक्वेंस में होता है क्रम में, इस क्रम में इस तरह से यूज करके उसको अल्फाबेट को हम बनाते हैं, इसमें डॉट्स बनाते हैं, और इस तरह से जिसमें एबो पिक्चर में दे रखा है इस टाइप से हमको डॉट बनाने हैं. जैसे ओ दे रखा है तो ओ के लिए हम ये वन वाला और सेकंड लाइन का ये, और फिर थर्ड लाइन का इस साइड वाला, इस तरह से ऐसे डॉट बनाएंगे तो मीन्स वो अल्फाबेट का ओ लेटर होगा. ओके, इस टाइप से हमको डॉट बनाने होते हैं, किसकी हेल्प से, स्टाइलस की हेल्प से. ओके, विच ईवर अल्फाबेट टू बी इज टू बी रिटर्न ऑन द पेपर कार्डबोर्ड. और फिर क्या करते हैं, इस तरह से अल्फाबेट जो है हम उस कार्डबोर्ड पे, उस पेपर पे हम लिखते हैं. एक मोटा पेपर होता है, अगर थिन
पेपर होगा, पतला पेपर होगा तो क्या होगा, फट जाएगा, इसलिए एक मोटा सा पेपर लेते हैं, थिक पेपर लेते हैं और फिर उसमें हम ऐसे डॉट बनाते हैं। ओके, अकॉर्डिंगली दैट डॉट इज प्रेस विथ अ पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस। और फिर क्या होता है, प्रेस मीन्स होता है को दबाना, तो इस क्या करते हैं, उस डॉट को हम दबाते हैं, उस पॉइंटेड पेन की हेल्प से हम उस डॉट्स को प्रेस्ट करते हैं, यानी कि उसको दबाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ इंग्लिश अल्फाबेट ए इज टू बी रिटर्न, जैसे कि एग्जाम्पल यदि हमको इंग्लिश अल्फाबेट का ए लिखना है, ए लेटर अगर हमको लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट वन इज प्रेस्ट। वन जो डॉट होता है इस टाइप से, देखो ये जो वन डॉट है ना, ये बड़ा है और बड़ा डॉट है और बाकी के सारे छोटे डॉट है, तो इस तरह से हमें अगर अल्फाबेट का ए अगर हमको लिखना है तो हम एक डॉट को बड़ा करेंगे। ओके, उसको दबाएंगे। दिस पॉइंटेड पेन डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलस, और इस पॉइंटेड पेन को स्टाइलस कहते हैं, है ना, इस पॉइंटेड पेन को क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। ये एक डिवाइस होता है किसके लिए, लिखने के लिए, ब्रेल सिस्टम में, ब्रेल लैंग्वेज में लिखने के लिए डिवाइस होता है, उसको हम स्टाइलस कहते हैं। ओके, ये पेन के जैसा ही होता है, पेन के जैसे ही दिखता है, बस नुकीला होता है। आफ्टर प्रेसिंग द डॉट ऑन अ पेपर, अब डॉट को क्या करना है, प्रेस करने के बाद में इट इज रिवर्स्ड, उसको उल्टा करना है, रिवर्स्ड मीन्स उल्टा होता है। ओके, ऑन द ऑपोजिट रिवर्स साइड ऑफ द पेपर, और पेपर को क्या करना है, ऑपोजिट साइड में करना, उसको उल्टा करना है। जैसे कि हमने इस तरह डॉट बनाए हैं तो हम उसको पेपर को उल्टा करेंगे, अगर हम उसको उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेस्ट डॉट्स कैन बी फेल्ट वेयर टच, जब हम उस डॉट को टच करते हैं तो वो हमें उभरे हुए दिखते हैं, ये हम उसमें देख सकते हैं, टच करके हम उसको पहचान सकते हैं। ओके, ऐसे तो वो दिखते भी हैं थोड़े उभरे हुए, और जब इसको हम फिंगर से टच करते हैं तो हमें वो फील होता है उभरे हुए। ओके, बाय टचिंग दीज रेस्ट डॉट्स कंटेंट्स आर आइडेंटिफाइड, और इस तरह हम टच करके उन उभरे हुए डॉट्स को पहचानते हैं, और इस तरह से हम उनके अल्फाबेट की पहचान करते हैं। ओके, कैसे, देखो इस टाइप से क्या करना होता है, जैसे ये वन डॉट, ये टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, इस तरह से सिक्स डॉट बनते हैं, फिर क्या होना, अल्फाबेट का ए लिखना होता है तो क्या करते हैं, हम इस डॉट को बड़ा बना देते हैं, ऐसे इस तरह से बड़ा बना देते हैं, और फिर क्या करना होता है, इस पेपर को, इस स्पेस को रिवर्स्ड करना होता है, मीन्स उल्टा करना होता है। एंड सी, यू कैन सी, आप देख सकते हो कि इस तरह से ये डॉट उभरे हुए हैं, और इस तरह से उभरा हुआ डॉट, ये जो ए अगर हमको बड़ा दिख रहा है, एक डॉट हमको बड़ा दिख रहा है, बाकी के छोटे दिख रहे हैं, तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये अल्फाबेट का ए है, फिर इसको हम टच करते हैं तो ये बड़ा सा है और बाकी के छोटे दिखते हैं। ओके, इस तरह से हम इसमें अल्फाबेट लिखते हैं। ये जो सिस्टम होता है ये ब्रेल सिस्टम होता है, और इसको जो लिखने का डिवाइस है उस वो क्या होता है, स्टाइलस कहलाता है, और एक कार्डबोर्ड पे हम इसको यूज़ करके हम लिख सकते हैं। ओके, इस टाइप से आपको भी अल्फ़ाबेट लिखने हैं और ट्राई करना है अल्फाबेट लिखने की। ओके चिल्ड्रन, आई स्टॉप हियर, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू।